आश्रम में रहा 20 वर्ष तक। जाने का नंबर आया, 20 वर्ष तक रहा। उसने गुरुजी से कहा, गुरुजी मेरी बेटी की शादी है, मैं जा रहा हूं। गुरुजी ने कहा जा। उसने इस अपेक्षा से कहा कि मैं गरीब आदमी हूं, गुरुजी का इतना बड़ा आश्रम है, व्यवस्था है, तो जाते समय गुरुजी कुछ ना कुछ दे देंगे जिससे शादी में सहायता होगी। तो बार बार याद दिलाता गुरुजी, मैं लड़की का ब्याह, हाँ जाना जा, हाँ ठीक ठीक कल चले जाना, प्रणाम करके जाना, ठीक है अगले दिन फिर। तो अरे तू गया नहीं? हाँ गुरुजी बस जा रहा था। फिर गुरुजी वो शादी के, अब एक दिन जब बिल्कुल हद हो गई, जब जाना ही जरूरी था, तो अच्छा मैं जा रहा हूं, तो गुरुजी ने 5 अनार दे दिए उसको, जाइए ले जा। बड़ा इसने मोह बनाया टेढ़ा टेढ़ा। 20 साल मैंने यहां सेवा करी, हर चीज गुरुजी का ध्यान रखा, बताओ यार ये तो ठन ठन गोपाल ही रहे। 5 आम दे दिए, कैसे करूंगा अब शादी, इतनी बड़ी जिम्मेदारी है। बड़ा मुंह मिसमिसाया, बड़ा अब क्या बोले महाराज। 5 आम लेके चलता बना। जैसे ही अपने गांव पहुंचा, सोचता था माथा पीट के क्या करूं, तभी घर पहुंचता उससे पहले उसने देखा कि उसके गांव में घोषणा हो रही थी, अरे भैया किसी के यहां अनार हो, आम बोला था मैं, अनार बोला था, अनार, किसी के यहां अनार हो तो अनार देना, किसी के यहां अनार हो तो अनार देना। उसने पूछा ये क्या घोषणा हो रही है भैया? बोले एक भी अनार हो तो जरूर खबर करें। तो किसी ने बताया कि जो राजा की यहां के क्षेत्र के महाराज हैं, उनकी सुपुत्री को एक औषधि देनी है जो अनार के साथ ही दी जा सकती है। अब मुश्किल की बात यह है कि इस समय अनार का मौसम नहीं है, और दूर से अनार लाए जाएं उतना अवकाश नहीं है, उसके प्राण निकल जाएंगे। ये बड़ा खुश हुआ, बोले एक क्या मेरे पास तो 5 अनार हैं। बोले लेके चलो फिर राजा के पास। राजा को दिए 5 अनार, और राजा ने 5 अनार के बदले विपुल धन दिया। तब वो समझा कि मेरे गुरु के एक अनार की क्या कीमत थी। सामान्य दृष्टि से देखने पर वो अनार था, पर उन 5 अनारों में पूरा राजा तुल गया महाराज। एक तरफ उनकी ये सामर्थ्य, ये सामर्थ्य।